2023 में जो भी लड़कियां इंटर पास की हैं फर्स्ट या सेकेंड डिवीज़न से, उन सभी को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है किस तरह से आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और लास्ट स्टेप होता है, आवेदन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आता है, जिससे लॉगिन करके आपको फाइनल सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के 5 दिन के बाद ही आईडी पासवर्ड आना शुरू हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है लेकिन आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है medhasoft.bis.nic.in। उसके बाद आपको यहां पर 2023 पासवर्ड स्टूडेंट वाले सेक्शन में आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहां पर ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट, और यहां पर गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर देके रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर देना है। फिर आपको सेंड पर क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। सो यूजर आईडी और पासवर्ड आने के बाद आपको वापस से स्टूडेंट वाले कॉर्नर में जाना है, और यहाँ आपको लॉग इन फॉर स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला है उसको यहाँ पे फिलअप करके, और जैसा यहाँ पे कैप्चा है वो कैप्चा इस बॉक्स में दे करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर करेंट स्टेटस में आपको वेरीफाइड देखने को मिलेगा, उसके बाद पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है, पूरा आपको डिटेल सही से चेक कर लेना है। एंड उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज एप्लीकेशन, तो आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट योर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना है यस और नो करके, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सब में आपको यस करना है। यस करते हुए आपको सब कुछ वेरीफाई कर लेना है, एंड उसके बाद आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको इसमें फिलअप करना है, फिर आपको वेरीफाई OTP एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। अब आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है ताकि आपको पता चल पाएगा किस डेट पे आपके अकाउंट में रुपया आया है। सो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टेटस चेक करने के लिए बस आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो जिस डेट पे आपने यहाँ पे फाइनलाइज किया है, फाइनल सबमिट किया है, वो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। और यहाँ एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में आपको अभी इन प्रोसेस देखने को मिलेगा। जब आपको पेमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस डेट पे आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, और बैंक का UTR नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, एंड आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके कैसे एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है, फिर उसके बाद कैसे एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। ये तीनों चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।